नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। सिवनी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी के लुटेरों से जब्त किए 1,74,00,000 रुपए। सिवनी पुलिस ने कल कुरई थाना अंतर्गत इनोवा कार से जब्त 1,74,00,000 रुपए के मामले में नया खुलासा करते हुए बताया कि जब्त नोट उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में घटित लूट की घटना की रकम है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने घटना के बारे में बताया कि कल 1 फरवरी को कुरई थाना अंतर्गत ग्राम सुकतरा के पास एक इनोवा वाहन से नोट उड़ने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने कुरई थाना के सामने घेराबंदी कर इनोवा कार MH 01AH 7264 को रोका और उसकी सर्चिंग ली गई तो उसकी सीट के नीचे बोनेट में और गेट के कांच के पास छुपा कर रखे हुए 1,74,00,000 रुपए नगद, लगभग 2,00,000 रुपए अधजल नोट एवं 40,000 रुपए के पूरे जले नोट बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह तीनों आरोपी हरिओम यादव, सुनील वर्मा और ग्यास बाबू तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने पुलिस को पहले बताया कि यह व्यापारियों का पैसा लेकर मुंबई जा रहे थे और मुंबई से गोल्ड खरीदकर वापस बनारस लेकर इन्हें जाना था, लेकिन रास्ते में इनके कार में शॉर्ट सर्किट होने के वजह से आग लग गई और कुछ नोट जल गए। पहले तो पुलिस इन आरोपियों की बात को ही सही मान रही थी, लेकिन पुलिस ने जब इन संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में आरोपी हरिओम यादव ने बताया कि वह मुख्यतः बनारस का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में रहकर वाहन चलाने का काम करता है और उसका भाई हरिनाथ बनारस में दशरथ सोनी ज्वेलर्स की दुकान में काम करता है। हरिओम व हरिनाथ द्वारा मुंबई में घर खरीदने के दौरान एवं अन्य खर्चों के कारण उनके ऊपर कर्ज हो गया और कर्ज से निजात पाने के लिए दोनों ने मिलकर दशरथ सोनी के आरोपियों को लूटकर अपना कर्ज वापस कर देने की एक योजना बनाई। योजना के अनुसार 29 जनवरी को वह मुंबई से निकल पड़े और 30 जनवरी को पूर्व योजना अनुसार इलाहाबाद के चाचा ढाबा जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पहुँच कर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब हरिनाथ यादव एक अन्य व्यक्ति के साथ स्कॉर्पियो कार से ज्वेलर्स का रुपया लेकर पहुंचा, योजना के अनुसार हरिओम ने अपने साथियों के साथ हरिनाथ व उसके साथ आए व्यक्ति को चाकू, हथौड़ी, छेनी और डंडों से मारपीट कर रुपये वाली गाड़ी लेकर गाड़ी भाग गए और 10 से 12 किलोमीटर दूर सारा रुपया अपनी इनोवा कार MH 01AH 7264 में रखकर गाड़ी में तीनों बैठकर मैहर होकर जबलपुर सिवनी होते हुए मुंबई जा रहे थे। तभी खुरई पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर जांच शुरू कर दी। मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लूट की घटना क्वीन आरोपियों ने उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी में अंजाम दिया था, उस लूट की रिपोर्ट मात्र 40,00,000 की लिखाई गई थी, जबकि सिवनी पुलिस ने 1,74,00,000 रुपए नगद, लगभग 2,00,000 रुपए के अधजले और 40,000 रुपए के पूरे जले नोट जब्त किए हैं, जो जांच का विषय है। अब तक जो खुलासा हुआ था कि व्यापारी अपने ड्राइवर के और उसके दोस्तों के थ्रू जो है कैश का फ्लो करवाते हैं बड़े शहरों में और गोल्ड वहाँ से लाकर बेचते हैं। उसके बाद हमको एक और इनपुट मिला था कि यूपी में एक कौशाम्बी जिले में एक बड़ी लूट हुई है, तो उसके संबंध में हमको जब संदेह हुआ तो हमने इसमें पूछताछ शुरू की। पूछताछ में कई घंटों तक इन लोगों ने इसको अस्वीकार किया, माना नहीं, और सुबह फिर जाके लास्ट में ये लोग माने हैं और इन्होंने स्वीकार किया है कि ये पूरी घटना पूरी साजिश इन्हीं के द्वारा रची गई थी। जो हमने आरोपी पकड़ा है हरिओम यादव, उसका भाई है हरिनाथ यादव जो एक व्यापारी है बनारस का, उसका ड्राइवर है और उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि यह नकद ले जाकर दिल्ली ले जाए और दिल्ली से सोना खरीद कर वापस बनारस लाए। बीच रास्ते में इनने घटना को अंजाम दिया है। इनकी नीयत पहले से ही ख़राब हो गई थी। इनने पूरी योजना बनाई कि इस पैसे को पूरी नकद को जो है हम लूट बता देंगे और पूरा पैसा हम रख लेंगे। इसके लिए इन लोगों ने अपने भाई को और दो अन्य लोगों को इसमें सह आरोपी बनाया पूरी साजिश में और पूरी जो नाट्यक्रम है पूरा ऐसा रचा कि लोगों को विश्वास हो जाएगी और वास्तविक लूट हुई है। इसमें इन्होंने खुद को, जो ड्राइवर था उसने खुद को बंधवाया, पिटवा भी लिया, मारपीट भी उसके साथ करवाई खुद के साथ, और फिर अपने भाई और उसके दो दोस्तों के साथ पूरे नकद वहां से लूट दिखाकर रवाना करवा दिया।
छपारा से अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट।